सभी मित्रों को ओम। अभी जिन क्रियाओं को, जिन आसनों को आपने खड़े होकर देखा, मैं उन माताओं बहनों से या जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ख़ास तौर से कि जो चेयर पे बैठ के करना चाहें या जो खड़े नहीं हो सकते हैं ठीक से, वो लोग चाहें तो इस क्रिया को बैठ के भी कर सकते हैं। वैसे इस आसनों को, इन आसनों को जब बैठ के किया जाता है तो इन्हें उपविष्ट कोण आसन के नाम से जाना जाता है। खड़े होकर जब हम करते हैं तो तान आसन के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठ जाएंगे। याद रहे, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, दोनों हाथों को दोनों तरफ फैला दिया जाता है और दूर दूर जितना हो सके ज़मीन पर रख दीजिए और लंबा गहरा सांस लेते हुए विथ इनहेल रेज योर हैंड्स, स्ट्रेच योर हैंड्स आउटवर्ड, टर्न योर पाम एंड विथ एक्सहेल रेज योर हैंड्स, इंटरलॉक योर हैंड फिंगर, फर्स्ट फिंगर स्ट्रेट, अगेन इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड अपवर्ड एंड होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। धीरे धीरे हाथों को खींचते हुए नीचे। जो माता बहन, पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग हैं जो खड़े नहीं हो सकते हैं, जो लकड़ी लेके चलते हैं, वो भी अपने घरों में बैठ करके इस आसन को आराम से कर सकते हैं और इस आसन को करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए फिर से एक बार देखिए। इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड्स आउटवर्ड, टर्न योर पाम, हथेलियों को ऊपर की तरफ घुमा दीजिए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, कीप योर हैंड्स अप विथ एक्सहेल, इंटरलॉक योर हैंड फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर स्ट्रेट, अगेन इनहेल, लंबा गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, धीरे से खींचते हुए हाथ रिलैक्स। यहाँ पे एकदम सहज शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, अपने कपड़ों को कहीं चिपके वगैरह हों तो उनको ठीक कर लीजिए। फिर से एक बार इनहेल, लंबा गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथ को उठाइए, साइड में खींचिए, टर्न योर पाम, हथेलियों को घुमा दीजिए, रेज योर हैंड्स विथ इनहेल, लंबा गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचिए, जितना खींच सकते हैं पूरा खींचिए और सांस छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ झुकाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, धीरे से खींचते हुए हाथ वापस। एक बार और इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड्स आउटवर्ड, टर्न योर पाम, एक्सहेल, अगेन इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड एंड विथ एक्सहेल बेंड योर बॉडी लेफ्टवर्ड एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, स्लोली स्ट्रेच योर हैंड्स एंड डाउन। अब जिसको साइड का फैट कम करना हो, साइड की चर्बी बढ़ गई हो, उसके लिए इनहेल, लंबा गहरा सांस लीजिए, दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, दाहिनी तरफ खींचिए, टर्न योर पाम, हथेली को पलटा दीजिए, सांस छोड़ते हुए ऊपर, फिर से एक बार सांस खींचिए और दाहिने हाथ को जितना हो सके ऊपर खींचिए, सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को मोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ झुका देंगे। ट्राई टू कीप योर राइट हैंड पैरेलल टू अर्थ, दाहिने हाथ को जमीन से समानांतर रखने का प्रयास कीजिए। चूंकि आप अपना हाथ देख नहीं सकते हैं, बस कोशिश करना है जितना हो सके, और थोड़ा देर ठहरने के बाद धीरे से वापस। इसी तरह से बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड, इनहेल, रेज योर लेफ्ट हैंड, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड लेफ्टवर्ड, टर्न योर पाम, एक्सहेल, अगेन इनहेल, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड अपवर्ड एंड विथ एक्सहेल बेंड योर बॉडी राइटवर्ड।
एंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और ये इतना आसान तरीका है, इतना सरल आसन है कि कोई भी कर सकता है, 3 वर्ष से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग तक, 3 वर्ष के बालक से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग तक। अब जिसका फैट साइड में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है, कंधों का फैट बढ़ गया है, पीछे का फैट बढ़ा है, वो चाहें तो इसे थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, एंड 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 7 8 9 10 and over. Very good. So ये 10 बार से लेके आप 50 बार 100 बार तक कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। ओम।